नमस्कार, आप लोगों के बीच मैं किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि लेकर के आऊँगा, सो फिर से किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टेक्निक और साथ ही साथ आसानी से किरचॉफ्स लॉ कैसे हम डील करें, प्रॉब्लम में किस तरह से अप्लाई करें, इस बात को लेकर के आया हूँ। किरचॉफ्स लॉ हर एग्जामिनेशन बोर्ड हो या कंपटीशन सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन जब बच्चे बनाते हैं तो अक्सर उन्हें कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको कम से कम दिक्कत और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कम समय में आ जाए। इससे पहले मैं कुछ स्टेप्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ कहे जा सकते हैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। ये सभी पॉइंट्स मैंने वन बाय वन करके बोर्ड पे लाइन से लिख दिया है। ये जब पॉइंट्स आप देख लेंगे तो उसके बाद से ये स्टेप्स इतने फॉलो करते करते आपको किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए सारे स्टेप्स को रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या स्टेप्स बिना रटे कुछ नहीं हो। इस सर्किट को आपके लिए मैंने ड्रॉ करके रखा है। पहला स्टेप मुझे करना है इस क्वेश्चन में, और पहले स्टेप को करने के लिए सबसे पहले सर्किट में आप रीड्रॉ कर लिए हैं, और रीड्रॉ करने के बाद आपको पॉइंट के नेम कर देने हैं। तो पॉइंट के नेम एज यूजुअल आप दे सकते हो, ए बी सी डी ई और एफ। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, नेम द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के नेम हमने दे दिए। इसके बाद से आपको डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन वेरियस ब्रांचेज। कई बार सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है। अगर सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है तो आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान दीजिए, जो सेल हैं, सिंगल सिंगल सेल है तब कोई दिक्कत नहीं है, डबल सेल होगा तो सोचेंगे कि क्या करना है। जैसे इसमें सिंगल सिंगल सेल है, इसमें करना क्या है, आपका एक सेल यहाँ पर है, दूसरा सेल यहाँ पर है। इसका जो सेल है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिस्चार्जिंग मोड में करंट देता है, फर्स्ट सेल है, इसलिए इसके करंट को आई वन मान लीजिए। याद रहे ये करंट I1 जो है C से B, B से A और A से F तक एक जैसा चलेगा, इस बीच में कहीं वो बटेगा नहीं क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है। उसी तरह से सेकंड सेल जो है उसने भी मान लीजिए कि करंट आपको दे दिया, दैट इज I2। ये C से लेकर के F तक सिंगल ब्रांच में I2 करंट आएगा। अब चाहें तो तीसरे ब्रांच की बात है, तो तीसरे ब्रांच में आप एक काम करें, आई थ्री एक करेंट मान लें, जिस डायरेक्शन में मानना चाहे मान लें, मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, ओके। तो फिलहाल हमारे पास तीन करेंट आई वन आई टू आई थ्री हो गया। इस सर्किट में हमको कैलकुलेट करना है, ओके, याद रखेंगे तीनों करेंट को आपको कैलकुलेट करना है। अब फोर्थ स्टेप आपका जो है वो जंक्शन चूज करने का है, जहाँ पर आप किरचॉफ्स करेंट लॉ अप्लाई करेंगे। और याद रखें ये जो फोर्थ स्टेप आप करने जा रहे हैं इसमें चूज द जंक्शन एट विच इनकमिंग एंड जंक्शन एफ लू, तो जंक्शन एफ पे मुझे साफ दिख रहा है कि आई वन इनकमिंग है, आई टू को मिलने के बाद अब हम एक काम कर लेते हैं आसानी से इसको, कहाँ पर, एट एफ पॉइंट एफ पे या जंक्शन एफ पे। जंक्शन एफ पे जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था केसीएल का सबसे आसान फॉर्म जो है वो ये है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग आपके पास देखिए पॉइंट एफ पे आई वन है, इनकमिंग आई टू है और आउटगोइंग आई थ्री है, इसलिए यहाँ पर आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर वन अज्यूम कर लें। अब आपने पांचवा स्टेप कर लिया, सिक्स स्टेप में आपको मेस सिलेक्ट करने हैं। देखिए आपके पास क्या क्या मेस अवेलेबल है, ओके, एक मेस आपके पास ए बी
सी एफ और ए है। एक और मेस आपके पास है सी डी ई एफ सी, इसको चाहे तो उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ए बी सी एफ ए लिया, आप चाहे तो ए एफ सी बी ए ले सकते हैं। और तीसरा मेस आपके पास ए बी सी डी ई एफ और ए, तीन मेस डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं। आपको अननोन कुल मिला के तीन है, दो कम से कम चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपका नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब आ जाते हैं हम बड़े वाले कंपोनेंट में आए तो हमारा रूट बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिलेक्ट करना चाहते हैं मेस कौन सा, तो ए बी सी एफ ए। तब अगला स्टेप हमारा हो जाएगा यूजिंग के वी एल इन मेस ए बी सी एफ ए। अच्छा देखिए, ए और बी के बीच में दो कंपोनेंट हैं, एक सेल है और एक रजिस्टर है, हम चाहेंगे कि सिंगल सिंगल हो जाए, और इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट एक्स मान लेते हैं और उसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट वाई मान लेते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो, मतलब अगर हम वी ए एक्स लिखते हैं प्लस वी एक्स बी लिखते हैं प्लस वी बी सी लिखते हैं प्लस वी सी वाई लिखते हैं प्लस वी वाई एफ लिखते हैं प्लस वी एफ ए लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू जीरो होगा। एच मैंने बताया। अब इसमें आप सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज हैं जहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है, ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर है ना सेल है। तो देखिए बी और सी के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंपली एक वायर से जुड़ा हुआ है, और वायर से अगर किसी भी कंपोनेंट का दो टर्मिनल जोड़ दिया जाए तो दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो ये बी सी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरह से एफ और ए के बीच में नहीं है, एफ और ए का भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। ओके, तो उसको हटा दिए। अब जो बचा उसका हम कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, जैसे ए और एक्स के बीच में सेल लगा हुआ है, सेल का जो ईएमएफ है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसे वोल्ट लिखा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, इसके कोरस्पोंडिंग में 24 लिख दिए। नेक्स्ट अगर हम एक्स से बी तक की बात करें, एक्स से बी तक रजिस्टर है 2 ओम का और उससे करंट जा रहा है I1, ऑब्वियस आई इंटू आर करेंगे तो 2 × I1 एक्स और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग में लिख दिए। अब बात आई वाई और सी के बीच में, मतलब सी वाई के बीच में 6 ओम का रजिस्टर है और इससे I2 करंट, मतलब सी से लेकर के एफ तक सेम करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में 6I2 लिख दीजिए। Y और F के बीच में सेल लगा हुआ है और सेल में 27 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए 27 लिख लीजिए इज इक्वल टू जीरो। कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस पहले एक बार लिख लिया, उसके बाद से साइन देने की बात, पिछला जो मैंने वीडियो बना करके आपको दिखाया था उसमें साइन कन्वेंशन की बात की थी। साइन कन्वेंशन में मैंने साफ बोला था कि अगर सेल के पॉजिटिव लाइन से नेगेटिव लाइन की तरफ जाते हैं तो मतलब वो हाई टू लो है और तब वहां पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अच्छा जब सेल की बात हो रही है तो यहाँ भी देख लीजिए, आप वाई से लेकर के एफ तक जा रहे हैं, वाई से एफ मतलब नेगेटिव लाइन से लेकर पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि लो से हाई पॉजिटिव होता है, तो सेल का मैटर खत्म। अब ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई इंटू आर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका, उसके लिए आपको करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। 2 ओम में आप एक्स से बी तक जा रहे हैं जबकि करंट उल्टा जा रहा है, अगेंस्ट द करंट पॉजिटिव होता है, ये भी बात मैंने आपको बताई थी, इसलिए ये बात आपको याद रखनी है। और सी से वाई जब आप जा रहे हैं 6 ओम में तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, देख लीजिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट
नेगेटिव होता है। तो इसको अरेंज करके अगर आपने लिख लिया तो आपके पास 2i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 24 3 3 उधर चला जाएगा, तो दैट विल बी -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन हमें मिल गए, अब हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए। थर्ड इक्वेशन लेने के लिए, अच्छा इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने बता के रखा है, आपका इक्वेशन आ गया 2i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2। मेस बदल दीजिए, मेस बदल करके कौन सा मेस आप यूज करेंगे, आपको यहाँ पर मेस सी डी ई एफ और सी आ गया। चलिए यहां भी लिखना शुरू कीजिए उसी तरह से, आप क्या लिखेंगे, वी सी डी प्लस वी डी ई प्लस वी ई एफ प्लस वी एफ वाई प्लस वी वाई सी इज इक्वल टू 0। सी से सी वापस आ गया, सी से सी वापस मतलब सर्किट क्लोज, क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी देखिए सी और डी के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, इसको स्ट्रिक्ट आउट कीजिए। ई और एफ के बीच में भी कोई कंपोनेंट नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। अब देखिए डी और ई के बीच में 4 ओम का रेजिस्टर है, 3i3 करंट इससे आ रहा है, इसीलिए इसको आप लिखेंगे 4 into i3। साइन देने की बात बाद में, साइन बाद में दे देंगे। इसके बाद से नेक्स्ट अगर आप आते हैं एफ से वाई तक 27 वोल्ट का बैटरी है, वोल्ट लिखा हुआ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और वाई से लेकर के सी तक 6 ओम का रेजिस्टर है और i2 उससे करंट पास हो रहा है, तो 6i2 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर साइन देते हैं, तो सेल का साइन देना है। अब इस बार एफ से वाई जा रहे हैं, यहाँ एफ वाई लिखा हुआ है, और एफ से वाई जब जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव लाइन से नेगेटिव लाइन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाई से लो जा रहे हैं, तो इसका साइन नेगेटिव होगा। सेल वाला मैटर क्लियर। अब रेजिस्टेंस वाला मैटर, 4 ओम रेजिस्टर में आप डी से ई आ रहे हैं और करंट ई से डी जा रहा है, अगेंस्ट द करंट पॉजिटिव लेना है, यानी i3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला पार्ट। और यहां पर देखिए आप वाई से सी जा रहे हैं और करंट सी से वाई, अगेंस्ट द करंट ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर ये इक्वेशन हो गया। एक काम कर लीजिए, 4i3 की जगह पर i1 प्लस i2 ले लीजिए प्लस 6i2 ले लीजिए इज इक्वल टू 27 को उधर लेके जाइए 27, यानी यहां पर ये इक्वेशन आ जाएगा 4i1 प्लस 4 और 6 10i2 इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशन 3 हो गया। आपके पास अननोन 1 2 3 थे और आपके पास इक्वेशन भी 1 2 3 हो गए। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद से आपके पास i1 i2 और i3 का इक्वेशन आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा भी है कि सॉल्व इक्वेशंस विद पेशेंस, पेशेंस के साथ इक्वेशन सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते और इसके बाद से थोड़े से जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं, यहाँ एक चूक मतलब आंसर आपका नहीं आएगा। आप चाहें तो जो रिजल्ट आपका आया उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके फिर से चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं। ओके, अगर इक्वेशन जो वैल्यू आया वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आंसर आपका आ गया, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशंस तीनों को सॉल्व करना अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लेकर के आपके सामने एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये फिर से देखिए आपके सामने फिर दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में पहले से बेटर ये चीज़ है कि आपको करंट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यहाँ भी स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको सबके नेमिंग कर लेने हैं, इसीलिए मैंने राइट साइड लिखा हुआ करने दिया है, आप नाम दे दिए ए बी सी डी। नेम करने के बाद से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था वेरियस ब्रांचेस पे, ऑलरेडी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ना, के सी एल एट जंक्शन,
कौन सा? डी। डी पे देखिए इनकमिंग करंट आई वन है और आउटगोइंग करंट डी से आई टू और आई थ्री है। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, इक्वेशन नंबर वन हो गया। चलिए इक्वेशन वन तक आ गए। अब आपको ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि केसीएल से कुछ और इक्वेशन मिल जाए, लेकिन फिलहाल केसीएल से दूसरा जो इक्वेशन मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा, इसलिए नंबर ऑफ इक्वेशन केसीएल यहाँ पर और ज्यादा नहीं देगा। केवीएल मेष सेलेक्ट करने की बात है ना, वो मेष का सिलेक्शन हमने कर लिया है। हम मेष ए बी डी ए तक जाएंगे, दो दो हैं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कुछ नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कैसे कर लें, इसको W पॉइंट मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z। बीच वाले पॉइंट को मान लेने से हमको बाइफरकेट करके लिखना आसान होगा। तो देखिए अगर आप A B D A एक क्लोज मेष में चलते हैं तो चलने के समय आपको भी A W लिखना होगा प्लस भी W B लिखना होगा प्लस भी B D लिखना होगा प्लस भी डी जेड लिखना होगा प्लस भी जेड ए लिखना होगा। ए से ए वापस पहुंच गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आपने इसको जीरो कर लिया तो अब आप देखें कंपोनेंट तो सब में है इसलिए इस बार कोई नहीं हटेगा, और नहीं हटने में सबसे पहले ए डब्ल्यू जाने की बात करें टू ओम। देखिए बी से डी तक केवल एक ही करंट आई वन रन कर रहा है, इसलिए टू आई वन। डब्ल्यू से बी तक दो वोल्ट का सेल लगा हुआ है इसलिए टू। बी से लेकर के डी तक 3 ओम का रजिस्टर है, आई टू करेंट जा रहा है 3 I2। डी से जेड तक 1 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और दैट इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन लेने में यहां ध्यान देना है, अगर आप पहले सेल का ही ले लीजिए एक ही बार सेल वाला, उसके बाद से आगे डब्ल्यू से बी आप जा रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव, लो टू हाई यहाँ पॉजिटिव होगा। डी से जेड आप जा रहे हैं जैसा कि दिख रहा है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यहाँ भी आपके पास प्लस होगा। अब करंट की बात करें तो करंट में सबसे पहले आपके पास टू और आई वन, देखिए ए से डब्ल्यू तक आप जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए ये आपको करंट के अगेंस्ट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बी से डी आ रहे हैं और करंट का एरो देख लीजिए अपोजिट है इसलिए भी पॉजिटिव होगा। और लास्ट वाले में जेड से ए में आप जेड से ए जा रहे हैं, करंट उसके अपोजिट जा रहा है तो ए भी पॉजिटिव होगा। तो फाइनली इसको अरेंज कर लिया, तो अरेंज करने के बाद से आपके पास क्या आएगा, 3I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू माइनस 3। सॉल्व किया अगर आपने इसको तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। केवीएल इन मेस आप इस बार जो दूसरा बचा हुआ है बी सी डी बी ले लें, इसमें भी आप पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज लिखना शुरू करें। बी से एक्स तक आएंगे पहले, फिर एक्स से सी तक जाएंगे प्लस, फिर सी से वाई तक जाएंगे प्लस, बी वाई से डी तक जाएंगे प्लस, डी से बी तक जाएंगे, क्लोज हो गया दैट इज इक्वल टू 0। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग लिख लीजिए, बी से एक्स तक 1 वोल्ट का ब्रिज, सी से वाई तक 3 ओम का रेजिस्टेंस है उससे I3 करंट जा रहा है तो 3I3, वाई से डी तक 3 वोल्ट का वेट लगा हुआ है इसलिए 3 वोल्ट, और डी से बी तक 3 ओम का रेजिस्टर से I2 करंट जा रहा है दैट इज इक्वल टू 0। अब आप साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिए, यहां तक आने के बाद इक्वेशन को थोड़ा सा फिर से रिअरेंज कर लिया जाए, तो यहां पर 4I3 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 4I3 का वैल्यू वहां से लाकर के पुट कर लीजिए इक्वेशन 1 से, I1 माइनस I2 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 4I1 माइनस 7I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन 3 को एज इट इज लिख लीजिए, 4i1 माइनस 7i2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या, 7i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू माइनस 7, ऐड कर दीजिए दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा। 11i1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, i1 इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 11 एम्पियर। एक बार i1 आ गया, आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, i2 आ जाएगा। m3 आप ये भी एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो किरचॉफ्स लॉ के बेस पे है। ये भी एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड होकर के है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो ऐसा कि मालूम है पॉइंट के नेम दे देने होंगे। मान लीजिए आपने ए बी सी नाम दे दिया, चलिए इसका नाम ओ दे देते हैं फिलहाल अपने हिसाब से। आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लें, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर लेंगे। अभी हम लोगों को सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें करंट i1 यहाँ दे रहा है और ये सेम आपको एक करंट सपोज कर लीजिए कि i2, एक पार्ट मान लीजिए कि i3 हमारा इस तरफ चला गया, तो बचा हुआ करंट यहाँ पर दैट इज जाएगा और बचा हुआ करंट क्या हो जाएगा, i2 माइनस i3 के किरचॉफ्स लॉ के अनुसार। अभी यहाँ पर i1 आ रहा था और इधर से i2 माइनस i3 भी आ रहा है, दोनों मिलकर के यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ वाला करंट जो होगा i1 प्लस i2 माइनस i3। अब चलिए नेक्स्ट बात करें, इस पॉइंट से इस तरफ करंट i3 आ रहा था जिसमें i1 पार्ट इधर चला गया, तो बचा हुआ पार्ट मतलब i3 माइनस i1 इस ब्रांच में जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी हम चेक कर सकते हैं, और ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर एक पॉइंट ओ की बात करें तो जितने इनकमिंग और आउटगोइंग करंट हैं सबको ऐड करें, ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है, और अगर नहीं हो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो उसके हिसाब से एक काम, एक पार्ट फिर से ओ पॉइंट पे आने वाला करंट, दूसरा पार्ट और वहां से जाने वाला करंट, ये अब इसको सम करके देखिए, i1 का पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ, i2 पॉजिटिव i2 नेगेटिव, i3 पॉजिटिव i3 नेगेटिव, सब कैंसिल होकर जीरो हो गया। किसी भी जंक्शन पे चेक कर लीजिए, अगर जंक्शन पे चेक करने के बाद से नेट करंट जीरो आता है यूजिंग केवीएल इन मेस ए बी ओ ए, हमारे पास कितना 4 i2 माइनस i3 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, B से इस पॉइंट तक हमारे पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर 1x2 एम्पियर वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। O से A तक का पोटेंशियल डिफरेंस हम जब देखेंगे तो 2 i1 प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ओम से करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट द करंट पॉजिटिव लेना है, ये पहले ही बताया है। यहाँ पर सेल के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव करवा रहा है, हाई टू लो नेगेटिव होगा, ये भी हो गया। 1 ओम का करंट जो है वो अगेंस्ट है इसीलिए पॉजिटिव होगा, और ओ से ए वाले में भी करंट अगेंस्ट है इसलिए भी पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन की बातें आपको याद रखनी है, अगर साइन कन्वेंशन i3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगेन आप एक काम कीजिए, इक्वेशन केवीएल यूज कर लीजिए, केवीएल मेस ले लिया जाए, यहां पर ए से ओ आए 2x i1 प्लस सी, ओ से सी आए 2x i3 माइनस i1, सी से ए आए
5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 5 is equal to 0, साइन टर्मिनल से दे दीजिए, अलोंग द करंट नेगेटिव, अगेंस्ट द करंट पॉजिटिव, लो टू हाई पॉजिटिव, अगेन यूजिंग केवीएल इन मेस, कौन सा एक ही बचा हुआ है, बी, बी से सी तक आप देखते जाइएगा 4i3, सी से ओ तक 2i3 - i1, ओ से 1 ओम के क्रॉस 1 into i2, और लास्ट में जो सेल लगा हुआ है 10 volt is equal to 0, साइन कन्वेंशन ले लीजिए, बी से सी तक अलोंग द करंट है माइनस होगा, सी से ओ तक अलोंग द करंट है माइनस होगा, ओ से इस पॉइंट तक भी आप अलोंग द करंट है ये भी माइनस होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव लो टू हाई यहाँ पॉजिटिव हो, ये तीसरा ही क्वेश्चन आएगा। अब इन्हीं तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर देने के बाद से आपके पास I1, I2 और I3 का वैल्यू आ जाएगा। H आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।